भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली और नए आंकड़े डराने वाले हैं। देश भर में सोमवार को कोविड 19 के 1573 नए मामले सामने आए थे, जबकि 4 लोगों की मौत हुई थी। कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी के साथ ही चिंता बढ़ने लगी है, क्योंकि देश को 14 राज्यों के 32 जिलों में वीकली पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा हो गया। इसके बाद एक्सपर्ट्स ने लोगों को सावधान रहने और मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी। देश के 32 जिलों में वीकली पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा हो गया और 2 सप्ताह में यह आंकड़ा 3.5 गुना बढ़ गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2 सप्ताह पहले सिर्फ 9 जिलों में वीकली पॉजिटिविटी रेट 10% था। 2 सप्ताह पहले 8 राज्यों के 15 जिलों में वीकली पॉजिटिविटी रेट 5-10% था। अब उनकी भी संख्या बढ़ गई है और अब 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 63 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5-10% हो गया है। कोरोना के नए वेरिएंट XBB.1.16 ने बढ़ाई टेंशन। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट देश में पैर पसार रहा और अब इसके 610 मामले मिल चुके हैं। संक्रमण के मामलों में हालिया वृद्धि के लिए कोरोना के इसी नए वेरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा है। इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के आंकड़ों के अनुसार ये सभी मामले 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पाए गए हैं। नए वेरिएंट XBB.1.16 के 610 मामले 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नमूनों की जांच में सामने आए। इस स्वरूप के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में 164, गुजरात में 164, तेलंगाना में 93, कर्नाटक में 86 पाए गए। इंसकॉग के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी में 2 नमूनों में नए वेरिएंट XBB.1.16 की पुष्टि हुई थी।